हेलो एवरीवन, गंजापन ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड आजकल ये अर्ली एज में भी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जेनेटिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं पीआरपी ट्रीटमेंट फॉर हेयर, इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या बेनिफिट्स हैं एंड किस तरीके से ये हेल्पफुल है आपकी रीग्रोथ ऑफ हेयर के लिए। इसके लिए हमने बात की डॉक्टर प्रियंका सिंह जी से। आइए मैं मिलवाती हूँ आपसे। नमस्ते एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह, आई एम ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट रनिंग अमरावती स्किन हेयर एंड डेंटल क्लिनिक इन लखनऊ। आज हम हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पीआरपी हेयर ट्रीटमेंट या पीआरपी हेयर रेस्टोरेशन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पीआरपी क्या है और किस हेयर रिलेटेड कंडीशंस में आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके ही ब्लड से बनाया जाने वाला कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट का ऐसा पैकेज ऑफ ग्रोथ फैक्टर है जो कि आपके हेयर से जुड़ी कई सारी परेशानियां जैसे कि बालों का तेजी से झड़ना या बालों का बहुत ज़्यादा थिन और इजीली ब्रेकेबल हो जाना या फिर बहुत सीवियर हेयर फॉल की वजह से गंजापन महसूस करना, इन सारी समस्याओं में ये ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर माना गया है। अब आइए देखते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले हम पेशेंट के कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए स्कैल्प को लोकल या टॉपिकल एनेस्थीसिया से सुन करते हैं। पेन नॉमिनल होने की वजह से प्रोसीजर को बिना सुन के भी किया जा सकता है। फिर हम पीआरपी के लिए पेशेंट के बॉडी से एटलीस्ट 10 ml ब्लड ड्रॉ करते हैं इन अ हाईली स्पेशलाइज्ड पीआरपी ट्यूब। फिर हम इस ट्यूब को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन में लगभग 10 मिनट के लिए स्पिन करते हैं। 10 मिनट बाद जब हम ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं तो पीआरपी ब्लड से अलग हो चुका होता है। फिर हम पीआरपी को फाइन सिरिंज में लोड कर लेते हैं। अब हम इन सिरिंजेस के द्वारा पीआरपी पेशेंट के अफेक्टेड एरिया या फिर पूरे क्राउन एरिया ऑफ स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में लगभग 40-60 मिनट लग जाता है। इसका डाउन टाइम 24-48 आवर्स का होता है, जिसमें कि 1-2 दिन तक इंजेक्शन साइट पे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही नॉमिनल होता है। आप प्रोसीजर के तुरंत बाद भी अपने काम पे लौट सकते हैं। पीआरपी स्कैल्प हेयर के अलावा आईब्रोज और बियर्ड के ग्रोथ में भी काफ़ी कारगर होता है। एंड लास्टली, आप ये ट्रीटमेंट हेयर डेंसिटी बढ़ाने या उसको मेंटेन रखने के लिए भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज हो पीआरपी ट्रीटमेंट को लेके आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।